इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल जो है वो एंगल बी पर है। इसमें एक सर्किल जो है वो इंस्क्राइब्ड है किसके द्वारा, यहाँ पे एक ट्रायंगल के द्वारा जिसका नाम एबीसी था, है ना। तो कह रहा है कि आप इस ट्रायंगल का जिसमें एक सर्किल दिया गया है उस सर्किल का आपको रेडियस निकालना है, ठीक। तो रेडियस आप अगर इसको सेंटर मानिए तो आप देखेंगे कि ये एक रेडियस है, ठीक है, एक ये रेडियस है और साथ ही साथ एक ये रेडियस है, है ना। और रेडियस जब भी एक टेंजेंट के साथ टच होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। और यहां पे दिया गया था कि बीसी की वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 3 सेंटीमीटर लिख दिया है, ठीक है। और कहा था कि एबी की वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 4 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक। तो चलिए अब किस तरीके से हम रेडियस निकालेंगे आप देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में यूज करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है एसी और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एबी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बीसी का स्क्वायर, है ना। अब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी की वैल्यू कितना, 4 का स्क्वायर और बीसी इज 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, दैट इज 25, किसकी वैल्यू, एसी का स्क्वायर। सो एसी इज इक्वल टू रूट अंडर 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप सारे ही वर्टेक्स से आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो सेंटर तक। तो चलिए एक हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए कहां से कहां तक, सी तक, फिर एक डॉटेड लाइन क्या कहां से बी तक और एक ए से सेंटर तक, और सेंटर का नाम हम क्या दे देंगे, ओ, ठीक। अब आप जरा देखो, आप बहुत ध्यान से यहां पे देखिएगा कि ए ओ बी ये पूरा एरिया हो गया, फिर बी ओ सी ये पूरा एरिया हो गया और ए ओ सी ये पूरा एरिया हो गया। इन पूरे ही एरिया को यानी ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए मैं वहां पे एक बार हाथ घुमाता हूं, ये एरिया, फिर ये एरिया और फिर ये एरिया, ये पूरा एक ट्रायंगल का एरिया हो गया, ठीक। तो हमें ये लिखना है, ठीक, क्या लिखेंगे, एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर इसका भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसका हाफ तो आप जान ही रहे हैं, एक नंबर है, बेस 3 है और हाइट है 4, ठीक। तो हाफ बेस 3 और हाइट 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ ए ओ बी का, देखिए ए ओ बी यहां पे हाइट क्या है, आर, और बेस किस पे है, 4 पर, तो हाइट है आर और बेस क्या है 4, ठीक। फिर प्लस हाफ, अब किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी ओ सी, बी ओ सी हाइट आर है और बेस 3 है, है ना, तो बेस 3 और हाइट आर, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ बेस, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ओ सी, बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट इसका भी क्या है आर, यहां से आप हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4R प्लस 3R प्लस 5R, और यहां क्या हो जाएगा, यहां है हाफ 3 4 12, ठीक है, हाफ से हाफ आप यहां पे कैंसिल कर दीजिए, ये 12 इज इक्वल टू, आप इनको ऐड करेंगे ये भी 12R हो जाएगा, R इज इक्वल टू 12/12, कटने के बाद से कितना 1, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर की वैल्यू आई, ठीक। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ।